नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। आरटीओ और एआरटीओ का नाम सुनते ही एक ऐसे अधिकारी की तस्वीर जेहन में उभर कर आती है जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा होता है और उसका सारा कार्य दलालों के माध्यम से होता है। पर जनपद गाजीपुर के एआरटीओ विनय कुमार इन सबसे अलग अपनी छवि बना चुके हैं। आपने शायद ही किसी ऐसे एआरटीओ को अपने जीवन में देखा हो जो खुद सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों की फिटनेस की जांच करता हो। पर गाजीपुर के एआरटीओ विनय कुमार खुद गाड़ियों के फिटनेस की जांच करते हैं, क्योंकि फिटनेस जांच के नाम पर दलाल सबसे ज्यादा वसूली गाड़ी मालिकों से करते हैं। यही नहीं, अन्य मामलों में भी एआरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू किया है, जिसका परिणाम है कि लोग तमाम तरह से इनके खिलाफ साजिश भी करने में लगे हुए हैं और इनका प्रयास है कि किसी तरह से इस एआरटीओ का ट्रांसफर यहाँ से हो जाए। पर इन सबसे बेफिक्र ये आरटीओ अपना काम करने में लगे हुए हैं। बताते चले कि एआरटीओ विनय कुमार ने आज लगभग 12 वाहनों का फिटनेस खुद चेक किया, जिसमें से लगभग 5 से 6 वाहनों का फिटनेस फिट पाया और बाकी को अनफिट करते हुए दोबारा फिटनेस कराकर लाने की बात कही है। कारण यह है कि चूंकि मैं फिटनेस अथॉरिटी हूं, ये मेरा नौकरी है, मेरा जॉब है कि मैं खुद से गाड़ियों को देख के फिटनेस करूं, और प्राय ऐसी शिकायतें भी आती हैं फिटनेस में कि लोग फिटनेस कराने के नाम पे जो है कि कुछ लोग से पैसे ले लेते हैं बाहर अनाधिकृत व्यक्ति, तो उसको चेक एंड ख़त्म करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ा और मैं इस तरीके से काम उसको करूँगा ताकि नियमानुसार जनता को जो निर्धारित शुल्क है उसमें सेवाएं प्रदान की जा सके। आज आपने सर कई फायदे देखा और कई लोगों को अनफिट भी किया, कई को फिट किया, अनफिट में किया सर उसमें क्या कमियां पाए और फिट होने वाले किस तरह फिट हुए? मोटर वाहन अधिनियम में धारा 52 में स्पष्ट उल्लेखित है, कोई भी व्यक्ति अपने यान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने तरीके से नहीं कर सकता जब तक कि उसने प्रॉपर परमिशन न लिया हो। तो जो भी गाड़ियां आप देखेंगे रोड पे, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं छोटे वाहन जो चलते हैं, उसमें बहुत सारा मतलब सामान ओवरलोड करके चलाया जाता है, तो उसको रोकने के लिए स्पष्ट उल्लेख है कि आप उसका डाला कटवाइए, जितना भी मतलब उसका कैरिज है उसको कम कराइए जो अनुमन्य है हमारा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस तरीके से धारा 52 के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में आज जब आपने कितनी फाइलें देखी और कितने लोगों को अनफिट किया है? लगभग 12 फाइलें आई थी आज आवेदन फिटनेस के लिए, उसमें से 3 या 4 गाड़ियां ऐसी थी जो अनफिट पाई गई, कुछ गाड़ियों में रिफ्लेक्टर नहीं लगा था तो उनसे रिफ्लेक्टर लगवाया गया फिर फिट किया गया। एआरटीओ विनय कुमार के द्वारा वाहनों के फिटनेस की जांच करने पर वाहन मालिकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फिटनेस एक्सपायर हो गया तो उसके लिए आए थे। इसको लेकर यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि सही जानकारी नहीं दी जाती है। फिटनेस जो अपने स्वयं आ रहे हैं, किसी दलाल के मार्फत काम नहीं कराना है, तो उसको जनता को बताना चाहिए कि जो आया है पब्लिक उसको बताइए कि फिटनेस का क्या क्या करना है, कैसे करना है, आपको अपने से करके आइए, दलाल के मत करिए, कैसे किया जाए कोई अनुभव जानकारी है नहीं, वो बताया नहीं जाता है। खुद आए हैं फिटनेस के हैं तो क्या लग रहा है पहले से और अब में कुछ सुधार लग रहा है? जो पहले था वो आज भी वही सब है, क्या बताया, उस दिन भी जो वही है। हम अब कंपनी से अतुल आटो से लिए, ओवर हाइट हमारा है नहीं, कंपनी से बैन खरीदे, उसके बाद कहा जा रहा है कि ओवर हाइट है, तो उसको हमने खुलवा दिया, ओवर हाइट को खुलवा दिया। गाड़ी का फिटनेस फेल था। क्या हुआ फिटनेस फेल था इसलिए आए थे बनवाने के लिए। तो क्या दिक्कत बताया कि फिटनेस जो फेल हुआ है जी, क्या दिक्कत बतलाई गई है? दिक्कत वही बतलाई जो ओवरलोड है उसको कटवाना है, जो बॉडी है उसको कटवा देना है। इनकी बातों से आप संतुष्ट हैं? जी जी। क्या इसके लिए कभी मतलब कोई अन्य कोई पैसा सा देना पड़ेगा कैसे? जी नहीं, किसी को नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आएंगे साहब से बात करेंगे। इससे पहले आपने कई बार फिटनेस गाड़ी का करवाया होगा? जी। कभी किसी आरटीओ ने आपकी गाड़ी खुद देखी थी इससे पहले? जी नहीं नहीं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।